तो गाइस अभी हम लोग एंटर कर गए हैं घाटी में। यहाँ पर चारों तरफ गांव जैसा फील आ रहा है यार, पूरा गांव जैसा फील आ रहा है यहाँ पर तो। अब पीछे पहाड़ है जो पूरा पेड़ से ढका हुआ है, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब पूरा ढलान है यहाँ पर, आपको यहाँ देखिए पहाड़ कितना सही दिख रहा है। मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही होगी कि नहीं पता नहीं, यहाँ एक ट्रैक्टर खराब हो गया भाई। चलते हैं, वैसे भी अभी ज्यादा नहीं है, 900 मीटर है, 900 मीटर के बाद हम लोग। ओए देख के बकरी है, छोटी छोटी बकरी से डर लगता है बहुत, कब कहां से कूद जाए। पूरा घाटी एकदम हैवी वाला, कितना सही दिख रहा है। ओ यार नीचे पानी है, अरे भाई फोन उन ना गिर जाए, डर भी लग रहा है, गिर गया तो फिर मिलना तो भूल ही जाओ। उधर उधर नहीं दिख रहा, उधर बैठा हुआ है कुछ लोग। अरे भाई ये लोग नंगा, ये देखिए यहाँ दिख रहा है कुछ लोग नहाया हुआ होगा, नहा रहा है वहां पर। कितना भयानक फॉल हो गया यार यहाँ पर, तो बड़ा हैवी दिख रहा होगा फॉल। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। हाँ इस तरफ भी जो पानी इधर से आ रहा है और इधर से जा रहा है, उधर गिर रहा है, वो भी दिखाएंगे, अभी जाते हैं नीचे साइड में। सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं हुंडरू फॉल, लेकिन यहाँ पर टिकट मांग रहा है हम लोग से, और टिकट ले लिए हैं। मौसी आ गए, मौसा जी आ रहे हैं, थक गए आते आते दिख रहा है। तो मौसा जी आ रहे हैं अभी, वही तो किसी को तो रुकना ही चाहिए था, यहाँ पर कोई रुका ही नहीं, अभी हम लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं, और हम लोग को दिखाने के लिए आना पड़ रहा है उनको भी टिकट दिखाने के लिए। तो जैसे ही आते फिर निकलेंगे, अब बहुत मज़ा आने वाला है आज तो, अगर बैटरी रहा तो बहुत कुछ हो जाएगा, वैसे बैटरी तो है चल जाएगा। अरे तो आने नहीं दे रहे तो। इधर जाना है, इधर से देखते हैं। सो अभी हम लोग आ गए हैं हुंडरू फॉल में अंदर, काफ़ी थोड़ी थोड़ी सी दिक्कत हो गई टिकट का, थोड़ा सा ओलझोल हो गया था क्योंकि बोल के गए थे मौसा जी कि टिकट ले चुके हैं 10, और शायद बोल दिया था उन लोगों को, लेकिन उन लोग को मे भी शायद ध्यान ना हो या कुछ भी, या कुछ कर रहा हो मुझे नहीं पता अब। और फिर मौसा जी आए तो थोड़ा गुस्सा हो गए थे उस पर, तो वही थोड़ा बकझक हो गया, तो उसके लिए मूड ख़राब नहीं करना है, व्लॉग मस्त बनने वाला है आज तो। सो अभी जो मैंने आपको सीन दिखाया था स्टार्टिंग का, वो उस पुल से था, ये पुल से है, और हम लोग हैं यहाँ पर। ओ भाई बहुत भयानक है, यहाँ से गिरेंगे तो कुछ भी हो सकता है, तो बच के रहना है। और ये देखिए फॉल कितना सही दिख रहा है, अच्छा लग रहा है ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सुबह थोड़ा तो गाइस अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, ज्यादा नीचे नहीं है, बस थोड़ा पत्थर उथर है उसके थोड़ा नीचे जा रहे हैं। यहाँ से थोड़ा नीचे का दिख जाएगा नज़ारा, तो मैं आप लोगों को भी दिखा दूंगा। फिलहाल चलते हैं नीचे, और बाकी सब नीचे चला गया है, करीब 700 सीढ़ी है तो वो लोग नीचे चला गया है और हम लोग ऊपर ही हैं। जो जिप लाइन कहते हैं इसको, जिप लाइन का मैं बात कर रहा था, वहाँ पर है एक और एक यहाँ पर है, ये ऊपर में दिख रहा होगा आपको, जिप लाइन ही कहलाता है ये भी। तो चलते वहाँ पर, ओ छोटा सा झरना जो बह रहा है, आगे चलो ना, तो थोड़ा अब आए हैं तो थोड़ा तो एंजॉय करेगा ही ना। तो आपको दिखाता हूँ किस रास्ते पे मैं अभी चल रहा हूँ, इधर सब जाना आना है, यहाँ का थोड़ा रास्ता लग रहा है कि यहाँ से लोग आता जाता है, तो हम लोग भी यहीं पे जाके देखते हैं। ओ ये जिप लाइन वाला, करने का सोच रहे हैं क्या करें, करें कि नहीं करें समझ नहीं आ रहा है।
यहाँ पर फॉल फॉल है फॉल। अरे कहाँ है और उधर जा रहे हैं? वो देखिए उधर से गिर रहा है। अरे तो वहाँ पे फोटो खींच रहा है खिला रहे हैं वहाँ पर गिरना चाहिए यहीं से। अरे बहुत किस्म है कौन से बहुत है इसीलिए तो गैप देख रहे हैं गैप देख देख के आएंगे। तो फिलहाल हम लोग अपने आराम से थोड़ा देख दाख के चल रहे हैं ताकि कहीं गिर ना जाए। ओ भाई यहाँ से देखिए नज़ारा वो काफ़ी हैवी है काफ़ी रिस्की भी है ज़्यादा उछल कूद मत कीजिएगा यहाँ पर जैसे कि शुभम कर रहा है कूद काद के फोटो ले रहा है। वो तेरी यहाँ तो हर जगह ऊंचा नीचा बना हुआ है नो सेल्फी जोन। ए सेल्फी नहीं ले सकती थे फोटो खींचो सेल्फी नहीं लेंगे। हाँ तो इधर ही खड़ा रहिए ना। तो अभी हम लोग थोड़ी फोटो यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं और मौसा मौसी मामी मौसी शुभम शुभम तो मेरे साथ ही है सौरभ मतलब सत्तू सत्तू सब कोई नीचे गया है इसके नीचे है जो भी यहाँ फॉल दिख रहा है आपको इसके नीचे मतलब झरना टाइप से गिरते हुए पानी दिखता है तो उस पर आप लोग मतलब इमेजिन कर सकते हैं किस टाइप का होगा। तो हम लोग अभी नीचे जाएं कि ना जाएं वही सोच रहे हैं। ये तो शुभम बोल रहा है कि गया है ये तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं करीब 700-750 सीढ़ी है तो 700-750 सीढ़ी मतलब बहुत ज़्यादा भारी होता है यार फिर नीचे जाना उसके बाद ऊपर आना भाई नेक्स्ट लेवल हो जाएगा फिर कहीं जाने के लायक नहीं रहेंगे। तो अभी तो हम लोग यहीं पर रुके हुए हैं अब पता नहीं वो लोग नीचे से कब तक ऊपर आता है जब भी आएगा तो मैं मिलवा ही दूंगा उन लोग से। और सुबह मैं यहाँ पर अपना फ़ोन चेक कर रहा अभी सेल्फी ले रहा था फ़ोटो कुछ कुछ क्लिक कर रहा था सेल्फी नहीं रहा सेल्फी जोन नहीं है वैसे यहाँ पर तो सेल्फी नहीं ले रहा था कुछ फ़ोटो क्लिक्स कर रहा था। सो व्यूअर्स अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और अभी जाएंगे सीढ़ी वाले रास्ते पे। अरे भाई बहुत स्लिप हुए यहीं पे स्लिप होने वाला बहुत भयानक है यहाँ मतलब घिसा हुआ है पूरा पत्थर ना चल चल के सब घिस दिया इसलिए पूरा चिकना हो गया। तो जिसका ग्रिप वाला जूता है वो नंगे पैर भी मत आइएगा जूते के साथ भी नहीं क्योंकि दोनों में गिरने का चांसेस है। तो फिलहाल हम लोग ऊपर चढ़ते हैं। थक गए भाई इतना में ही थक गए अभी तो और सीढ़ी चढ़ना है। सो व्यूअर्स अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं यहाँ से सीढ़ी से करीब 700 सीढ़ी है यहाँ पर झूला है इको पार्क टाइप से है लेकिन कोई दिख नहीं रहा यहाँ पर बंद होगा मे बी शायद पेड़ होगा पेड़। सो अभी फिलहाल नीचे उतर रहे हैं हम लोग उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना बाकी सब कहाँ गए हुए हैं। उतरते हुए तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा लेकिन चढ़ते हुए लगेगा बहुत टाइम। चल खाते खाते काफी ज्यादा बड़ी सीढ़ी है। चलिए 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 उतरते हुए ज्यादा नहीं लग रहा है लेकिन चढ़ते हुए यही सीढ़ी बहुत लगने वाला है और नीचे फॉल है जो पूरा ऊपर जो मैंने आपको अभी व्यू दिखाया वो नीचे वही पानी गिर रहा है। सो अभी आपके लिए मैं 700 सीढ़ी उतर रहा हूँ और 700 सीढ़ी चढ़ूंगा दिखाऊंगा आपको। सो चलते हैं। तो अभी सीढ़ी उतर रहे हैं हम लोग बस हम ही दोनों शुभम और मैं बाकी सब नीचे उतरा हुआ है लेकिन अभी आइए रहे आगे मौसी ज़्यादा नीचे आए ही नहीं ना हुआ तुम क्यों नहीं गए वापस आ गए 750 सीढ़ी साढ़े सात हम लोग यही ना आए थे टीचर्स डे में इसलिए हम बोल रहे थे कि नहीं आई हैं। मौसी और मामी यहीं रुक गई पहले ही देख के हालत खराब हो गया इधर से सिर्फ 4 बजे के बाद आने देता है इधर से जाने देता है इधर रोक के कहाँ रखेगा वही तो इसलिए आराम से आप लोग तो अभी और देरी लगे जाइए इतना देर से हो जाएगा हम लोग का इतना देर से बना रहे उधर बनाए फिर अभी नीचे जा रहे हैं जल्दी आइए
हाँ हाँ जाहिर है एकदम खतरनाक। तो ये सीढ़ी है, ये घूम के एकदम ये पतरातू वाला घाटी वाला एकदम बना के रखा है क्या कि इधर रोड नहीं है तो ऐसा सीढ़ी बना देते हैं पतरातू घाटी वाला, फील आएगा। बहुत नीचे है, वन थर्ड भी नहीं। तो अभी हम लोग फॉल के पास पहुंच गए हैं, सुबह हम आगे चल रहा है। वैसे पहले बोल रहा था कि काफ़ी दूर है, यहाँ से फॉल दिख रहा है आपको, तो फिलहाल और आगे जाते हैं, वहाँ से हम लोग को पूरा फॉल दिखेगा। आवाज़ भी आ रही होगी पानी गिरने की। ये सब हाथ से बनाया हुआ है भाई, आके देखेंगे। फिलहाल तो फॉल के लिए उतरते हैं नीचे, काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही है। वो हम लोग वहाँ पे बैठ के केक काटते हैं इधर। अच्छा वहाँ तो शुभम पहले आ चुका है, इसलिए अपना बता रहा है कि टीचर डे में आया था और यहाँ पर बैठ के केक काटा था नीचे में, थोड़ा और नीचे से। अब यहाँ पर सीढ़ी ख़त्म होती है, यहाँ से फॉल शुरू होता है। वो कहाँ है बाकी सब, नीचे जाके देखना पड़ेगा। तो फिलहाल तो आप लोग फॉल देखिए, यहाँ पर सब आए हैं फोटो खिंचाने। वहाँ है वो रहे वहाँ पर इधर इधर से इधर से इधर से उतरने का है, देख के गिर मत जाना। अरे यार बहुत ज़्यादा चिकना है यहाँ पर, तो हाँ पकड़ के आराम से चल कूद जाएंगे। बहुत ज़्यादा चिकना है भाई, नहा रहा है यहाँ पर लोग। वो क्या सीन है यहाँ पर, तो फोटो बनता है। ठंडा भी बोली तो ठंडा लगे, गर्मी लग रहा है, ठंडा तो छोड़ ही दो। कहाँ है वो लोग, चलो उन लोग के पास चलते हैं। वो रहे वो रहे, वो देखिए वो लोग छोटे छोटे दिख रहे हैं, तो चलते हैं अभी उनके पास। इधर से उधर से उधर से उधर से उधर से पूरा कंजेस्टेड एरिया है। हमारा बैटरी डाउन हो गया, नोटिफिकेशन दे दिया, इधर आ गए हैं सब, हम लोग उतर रहे हैं धीरे धीरे। आ गए, ये रही मासी और मौसा, उधर है वो लोग खेल रहे हैं। यहाँ तो कैसे जाए, यहीं बस है।